Hi everyone. Today I am going to discuss next lecture of computer aided drafting. आज इस लेक्चर में हम लोग कैसे AutoCAD के स्टेप्स को हम लोग रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं आपके एग्जाम में, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बिकॉज आपके एग्ज़ाम में आपको लैपटॉप और पीसी सिस्टम तो मिलता नहीं है, तो हम लोगों को जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसको हम लोग को रिटन फॉर्म में लिखना पड़ता है. तो उसके लिए हम लोग को स्टेप्स वहाँ पर लिखना पड़ता है. तो मैं एक एज ए एग्ज़ाम्पल लेकर आपको बताता हूँ. जो भी हम लोगों को स्टेप्स आएगा वो जनरली ड्रॉ टूल बार या ड्रॉ पैनल से ही आने वाला है. तो हम लोग वन बाई वन जितने भी हमने सीखा है मेन मेन जो ड्राइंग के कंपोनेंट उसको हम लोग देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे. तो पहले देख लेते हैं, आज हम लोग सर्कल का देख लेते हैं. तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया, ड्रॉ सर्कल बाई यूजिंग ऑटो कैड. हो सकता है यहीं पर स्टॉप रहे या फिर आगे भी रहे, बाय टेकिंग एनी आर्बिट्री डेटा. मतलब कुछ भी डेटा लेकर हम लोग उसको खुद से वहाँ पर सेंटर ले लेना है, खुद से वहाँ पर हम लोगों को रेडियस ले लेना है. कुछ भी डेटा लेकर ऐसा रहेगा, या फिर डेटा दे भी सकता है कि आपको 5 mm का या 10 mm का रेडियस लेकर बनाना है, दे भी सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है. जनरली जो भी क्वेश्चन लास्ट एग्ज़ाम में आपके पहले वाले सेमेस्टर में आया है उसमें डेटा नहीं दिया था, उसमें खुद से बस ड्रॉ करने बोला था कि आपको वहाँ पर ड्रॉ करना है रेक्टेंगल या फिर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करना है, इस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पर था. तो हो सकता है कि वहाँ पर लिख भी दे कि सर्कल का रेडियस क्या है या सर्कल का डायमीटर क्या है, या फिर नहीं भी लिख सकता है. तो स्टेप्स दोनों में सेम ही रहेगा, रेडियस दे देगा तो रेडियस मेंशन करेंगे, नहीं देगा तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे. तो कैसे हम लोग करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है अगर हम लोगों को सर्कल ड्रॉ करना होता है तो हम लोग ऑटो कैड पर कैसे ड्रॉ करते हैं. पहले मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ फास्ट फास्ट कि सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करना होता है, मैंने ऑटो कैड ओपन कर लिया है. तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कल कमांड पर यहाँ पर ड्रॉ पैनल पर गए या फिर रिबन पैनल पर गए, इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग का सर्कल कमांड एक्टिवेट हो जाता है. उसके बाद क्या करते हैं, स्पेसिफाई सेंटर, सेंटर को स्पेसिफाई करते हैं, जहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम लोग सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर मैनुअली वहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है. फॉर एग्जांपल मैंने स्पेसिफाई कर दिया, कुछ भी सेंटर था मैंने स्पेसिफाई कर दिया. जैसे ही स्पेसिफाई सेंटर करते हैं उसके बाद क्या बोलता है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल. तो उसके बाद हम लोग रेडियस मान लीजिए कि इसका हम लोगों ने 5 ले लिया, 5 लेकर हमने ड्रॉ कर दिया. और 5 जैसे ही पुट करेंगे उसके बाद इंटर हमने प्रेस कर देना है, इंटर जैसे प्रेस करेंगे हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया है. एक तो ये मेथड था, और एक मेथड था कि हम लोग कीबोर्ड से अगर सी टाइप करते हैं या फिर सर्कल टाइप करते हैं तो वहाँ पर सर्कल कमांड का शॉर्टकट नज़र आता है. शॉर्टकट को जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सर्कल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा. यहाँ पर भी सेम प्रोसेस आगे का है, स्पेसिफाई सेंटर, कोई भी सेंटर हमें जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सेंटर ले लेंगे, और वहाँ पर फिर रेडियस प्रोवाइड कर देंगे, रेडियस 5 हम लोग पुट किया हमने, और उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. सिंपल स्टेप है, इसी को हम लोगों को रिटन फॉर्म में वहाँ पर लिखना है. तो हम लोग वहाँ पर अब चले आते हैं अपने, उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखते हैं वन बाई वन. तो पहले हमें क्या लिखना है, सबसे फर्स्ट लाइन लिख देंगे सॉल्यूशन करके उसके बाद फर्स्ट लाइन लिखेंगे, दीज आर स्टेप्स फॉर ड्राइंग अ सर्कल. सर्कल को ड्रॉ करने के लिए ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जैसा कि अभी हमने देखा, क्लिक ऑन द सर्कल आइकन ऑन द रिबन पैनल या ड्रॉ पैनल के सर्कल आइकन पे हम लोग क्लिक करते हैं. अभी हमने देखा कि ऊपर जाते हैं वहाँ पर जो भी ड्रॉ पैनल है वहाँ पर सर्कल बना हुआ होता है. तो सर्कल आइकन कहने का मतलब है कि सर्कल जो बना हुआ है ऊपर में लेफ्ट साइड में हम लोग जो अभी गए थे वहाँ पर सर्कल आइकन पर क्लिक करना है. सर्कल आइकन पर क्लिक करके हम लोग वहाँ पर से सर्कल कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर और लिखा हुआ है रेड कलर से और यहाँ पर और, या तो वो स्टेप है या फिर हम लोग टाइप सर्कल, या तो सर्कल टाइप करके या फिर सी टाइप करके ऑन द कमांड लाइन पर हम लोग सी टाइप करके भी हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं. और जैसे ही सी टाइप करेंगे सर्कल आ जाएगा, सर्कल पे हम लोग क्लिक करके या फिर प्रेस एंटर करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. तो सर्कल कमांड हमारा एक्टिवेट हो गया. अब जैसे ही सर्कल कमांड एक्टिवेट होता है तो अभी हमने देखा जस्ट कि उसके बाद हमें सेंटर को स्पेसिफाई करना पड़ता है. तो नेक्स्ट लाइन हमारा वही लिखा हुआ होगा, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल. सर्कल का सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा ऑन द वर्क स्पेस और व्यू पोर्ट. जो भी हमारा वर्क स्पेस था जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वो वर्क स्पेस है. तो वर्क स्पेस पे हम लोग स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं. सेंटर पॉइंट जैसे स्पेसिफाई करते हैं फिर क्या वो मांगता है, रेडियस मांगता है. तो जो भी स्टेप हमने वहाँ सीखा है या देखा है सेम चीज़ यहाँ पर एज अ थ्योरी के फॉर्म में हमें
स्टेप बाय स्टेप लिखना है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले हमें सर्कल कमांड को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए हम लोग रिबन पैनल या ड्रॉ पैनल पर जाएंगे। ड्रॉ पैनल पर जैसे गए, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सर्कल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर हम लोग मैनुअली इसको टाइप करके भी कर सकते हैं। टाइप सर्कल कर देंगे, सी कर देंगे, या फिर टाइप या सर्कल कर देंगे तो कमांड आ जाएगा, वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे या इंटर कर देंगे तो कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही कमांड एक्टिवेट होता है, हम लोग सेंटर को स्पेसिफाई कर लेते हैं। वर्क स्पेस जो है या व्यू पोर्ट है, वहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो हमारा सेंटर स्पेसिफाई हो जाएगा, या फिर अगर क्वेश्चन में सेंटर आपका मेंशन कर दिया है कि नहीं, हम लोगों को कोऑर्डिनेट जो लेना है, एक्स का टेन लेना है, वाई का टेन लेना है, तो वहाँ पर कर देंगे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ब्रैकेट में टेन टेन ऑफ अ सर्कल ऑन द वर्क स्पेस। वर्क स्पेस पर हम लोग सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन में देता है तब की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली हम लोग स्टेप लिखेंगे। जैसे ही हम लोग सेंटर पॉइंट को हमने स्पेसिफाई किया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल के रेडियस को स्पेसिफाई करना है। अगर क्वेश्चन में देता है कि सर्कल का रेडियस 5 लेना है या 10 लेना है, तो वहाँ पर रेडियस के ब्रैकेट में 10 लिख देंगे। अदरवाइज अगर नहीं देता है तो डायरेक्टली लिख देंगे स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल और स्पेसिफाई डायमीटर। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर लिखेंगे, रेडियस दिया हुआ रेडियस लिखेंगे, और कुछ भी नहीं दिया हुआ तो दोनों को लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब अगर रेडियस के टर्म में है तो रेडियस के टर्म में, और डायमीटर के टर्म में है तो डायमीटर के टर्म में। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सर्कल का हम लोग फर्स्ट वाला जो कमांड है, जो रेडियस वाला और डायमीटर वाला, उसके बारे में बात कर रहे हैं। टेन 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 या टेन टेन रेडियस वाला बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज नॉर्मल ही जो पूछेगा वो नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल हम लोग बता देंगे। अदरवाइज अगर कुछ वेरिएशन करता है तो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पर लिख देंगे कि सर्कल का रिबन पैनल में जाकर सर्कल का हम लोग टेन 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 या सर्कल का टेन टेन रेडियस सेलेक्ट करेंगे। वो सब अलग बात है, फिलहाल हम लोग अभी देखते हैं कि सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। तो स्पेसिफाई रेडियस और ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो जैसे अभी हमने ऑटोकैड में 5 पुट करके किया था, 5 के बाद हम लोग इंटर प्रेस करते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे कर देंगे, प्रेस इंटर। जैसे ही हम लोग प्रेस इंटर करेंगे, हम लोगों का सर्कल जो होगा वो ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बाद स्टेप्स हमने लिख लेना है, वहाँ पर अपने शीट पे जो ड्राइंग शीट होगा वहाँ पर ये स्टेप लिख लेना है। यही स्टेप है सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। पहले हम लोग रिबन पैनल में जाते हैं, पैनल में ड्रॉ पैनल में जाते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। सर्कल को जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग सेंटर को स्पेसिफाई करते हैं व्यू पोर्ट पे या वर्क स्पेस पे। जैसे ही सेंटर स्पेसिफाई हो जाता है, फिर वहाँ पर हमसे मांगता है वो कि रेडियस क्या है इसका। अगर डायमीटर वाला आपने सेलेक्ट किया तो डायमीटर मांगेगा, रेडियस वाला सेलेक्ट किया तो रेडियस मांगेगा। तो रेडियस जैसे ही डेटा हम लोग पुट करते हैं, रेडियस जो भी रेडियस था 5, 10, 15, 20 जो भी आपने लिया, उसको जैसे ही हम लोग पुट करते हैं, उसके बाद प्रेस इंटर। जैसे इंटर प्रेस करते हैं, वो वहाँ पर सर्कल ड्रॉ हो जाता है, जैसा अभी हमने देख लिया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करना होगा, नीचे में एक सर्कल आपको पेंसिल से बना भी लेना होगा, बिकॉज ड्राइंग शीट है तो वहाँ पर हम लोग पेंसिल तो कुछ करते नहीं है। जो भी स्टेप्स भी लिखना है वो भी आपको पेंसिल से ही लिखना है। आगे जब हम लोग यहाँ पर उसके नीचे की बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग को लिख ही लेना है। इसके बाद जब हम लोग को नीचे में क्या करना है, जस्ट नीचे इसके नीचे जैसे ही हमने थ्योरी लिखा, उसके नीचे आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है कुछ भी रेडियस का लेकर, बिकॉज यहाँ पर रेडियस मेंशन नहीं है। अगर रेडियस मेंशन होता तो हम लोग वहाँ पर रेडियस को शो कर देते हैं। कुछ भी रेडियस का लेकर एक सर्कल हम लोग वहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, और जो भी रेडियस वहाँ पर लेंगे, हम लोग को वहाँ पर रेडियस के जगह पर वैल्यू लिख देना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कैसे शो करते हैं, यहाँ से डॉट रहते हैं, यहाँ पर एक एरो यहाँ पर करते हैं, वहाँ पर रेडियस का वैल्यू जो भी है वहाँ पर रेडियस लिख देते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर और रेडियस ऐसे लिखने की रिटन फॉर्म में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है बस, एरो यहाँ पर दे देना है लाइट पेंसिल से, एरो दे देना बिकॉज डायमेंशनिंग है, लाइट पेंसिल से नहीं करेंगे, मीडियम रहना चाहिए, वो बाहर का थोड़ा डार्क रहेगा, और ये वाला मीडियम कलर का पेंसिल रहेगा। और यहाँ पर वैल्यू हम लोग यहाँ पर दे देंगे जो भी उसका वैल्यू है। मान लीजिए हमने 5 लेकर बनाया है, 10 लेकर बनाया है, कंपास से हम लोग को प्रॉपरली बनाना है, फ्री हैंड नहीं बनाना है, कंपास से हम लोग को प्रॉपरली सर्कल वहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देना है कि हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है स्टेप्स को फॉलो करके, और ऑटो कैड में वो सर्कल ऐसा दिख रहा है। तो ये स्टेप्स हमने देख लिया यहाँ पर, इसको फिलहाल मैं अभी क्लोज करता हूँ और आपको फिर से एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या हमने किया था। पहले मैंने क्या पढ़ा, पहला फर्स्ट लाइन हमने क्या लिखा कि ये स्टेप्स है इतने सारे। उसके बाद मैंने बताया कि ड्रॉ पैनल पर जाएंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई कहीं पे कर देंगे। जैसे स्पेसिफाई करेंगे, बोलता है रेडियस मांगता है, तो रेडियस का वैल्यू 5 पुट कर दिया हमने, या 10 पुट कर दिया, जो भी वैल्यू है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 5 है। उसके बाद इंटर हमें प्रेस करना है, जैसे इंटर प्रेस करेंगे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो नीचे में हम लोग को सेम सर्कल ड्रॉ कर देना है, वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 8 ले लो, अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो वो वैल्यू लेंगे, और वैल्यू अगर नहीं दिया है तो 5, 10, 8, 9 जो भी आपको लेना है आप उस रेडियस का सर्कल ड्रॉ करके वहाँ पर दिखाना, कंपलसरी है सर्कल वहाँ पर जरूर दिखाना है। तो यही स्टेप है, इसी स्टेप्स को फॉलो करके हम लोगों को अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। काफ़ी इजी वे में मैंने बताया और आपको रिवीजन करते हुए दिखाया कि
जैसे ही हम लोग ऑटो कैड में जो जो स्टेप्स किए थे सेम चीज़ को यहाँ पर थ्योरी फॉर्म में लिखना है। अगर आपको ऑटो कैड का कमांड अच्छे से आता है तो अगर जो क्वेश्चन मैं नहीं भी यहाँ पर कराऊंगा वो भी आप क्वेश्चन अच्छे से वहाँ पर बना कराओगे। तो आगे हम लोग देखते हैं आज के रिविजन का क्वेश्चन। ये सर्कल का कमांड का हमने देख लिया है। आगे के लेक्चर में हम लोग बारी बारी से सारे कमांड्स जो भी हमने पढ़े हैं उसका वन बाई वन जो भी यूजेस मिलेंगे हम लोगों को वो देख लेंगे। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द साइज ऑफ द टाइटल ब्लॉक इज mm इंटू mm, मतलब जो साइज है टाइटल ब्लॉक का ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है लेक्चर्स में, काफ़ी टाइम मैंने रिविजन में भी डाला है इसको। तो साइज टाइटल ब्लॉक का क्या होता है आपको इसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। जो भी इसका राइट आंसर होगा आप वीडियो का कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और जो भी लेक्चर से रिलेटेड डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आपके लिए मैं काफ़ी एफर्ट कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम देता हूँ आपके लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने से पहले कि कैसे आपको पढ़ाया जाए तो आपको बेटर तरीके से समझ में आया जाए। तो इसको एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में कि उनको भी इसका फ़ायदा हो जाए। और वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।